बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए हरियाणा के नूह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इस वक्त हाई अलर्ट है। नूह में शोभा यात्रा के ऐलान पर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने यात्रा की अनुमति नहीं दी। नूह में इंटरनेट सेवा अभी भी बंद चल रहे हैं। पूरे नूह जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। नूह बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। नूह में स्कूल, कॉलेज और बैंक सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स की 13 कंपनी तैनात कर दी गई है। 657 पुलिसकर्मी इलाके में तैनात किए गए हैं। 31 जुलाई को नूह में हिंसा हुई थी और नूह हिंसा में अब तक 292 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। हरियाणा के नक्शे पर नूह इस कदर उकेर कर आया 31 जुलाई को कि सबके जहन में वो तस्वीर आई। अब नूह छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि 31 जुलाई को जो हिंसा की आग लगी उसकी अगर एक भी आंच इस बार फिर सुलग गई तो तस्वीर फिर वैसी ही होगी। इसीलिए आप तस्वीर देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नलहड़ शिव मंदिर के पास ही। ये तस्वीर दिखाइए जरा, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कैसे लोगों की पूरी चेकिंग की जा रही है, उनका आधार कार्ड देखा जा रहा है, उसके बाद ही उनको अंदर जाने अलाउ किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आम लोग जो कि यहाँ के रहने वाले हैं उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। कोई और भी लोकल लोगों के भेष में ना आए, इसीलिए आधार कार्ड की चेकिंग हो रही है। सामने ये मेडिकल कॉलेज का मंदिर है, यहाँ पर भी पूरी मेडिकल कॉलेज है माफ कीजिएगा, पूरी तरीके से यहाँ पर भी पुलिस की मुस्तैदी है। आला अधिकारी लगातार गश्त लगा रहे हैं, यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। ये मुख्य मार्ग है नलहड़ शिव मंदिर तक जाने का। और ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, ये भी बात सामने आई थी कि उस दिन इन पहाड़ियों पर चढ़कर ही वहां से फायरिंग की जा रही थी। इसीलिए इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सिर्फ ये इलाका नहीं, आप जैसे ही नूह में एंटर करेंगे, अगर मुंबई एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं वहां पर आपको रोका जाएगा। उसके बाद अगर आप अंदर आते हैं टी पॉइंट की तरफ, वहां पर भी आपकी गाड़ियों को चेक किया जाएगा। अगर आप मीडिया से हैं तो वहां पर भी एंट्री कराई जा रही है। उसका एकमात्र कारण यही कि जो हिंसा की आग तब लगी थी, एक आंच भी अगर सुलग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे प्रशासन और सरकार को लगातार चुनौती दी जा रही थी कि यहाँ पर यात्रा निकाली ही जाएगी। जो यात्रा उस दिन अधूरी रह गई थी, उस यात्रा को पूरा करना है, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है। प्रशासन ने, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपील की कि आप जो है, अगर आपको जल ही चढ़ाना है तो आप अपने ही घर के आसपास जितने मंदिर है वहां पर जल चढ़ाइए। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। दरअसल नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स